हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। स्टडी फॉर जीनियस में आप सभी का वेलकम है। मैं हूं प्रिंस, नाम तो सुना ही होगा। तो गाइज, यहां पर आप सभी का जो इंतजार है खत्म हो चुका है, आपके रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अभी अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि भाई आपके यूपी जेल वार्डन एग्जाम को लेकर उसके रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो कौन से महीने में आने वाला है। टाइम दोस्तों बिल्कुल कम है। जी दोस्तों, टाइम बिल्कुल कम है और आपकी जो रनिंग है उसकी डेट भी घोषित कर दी गई है। मेरे दोस्त, अभी अभी जो यहाँ पर राजकुमार विश्वकर्मा है, उन्होंने अभी अभी अपडेट किया है कि आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों इस दिन जारी कर दिया जाएगा। वो कौन सा दिन है, चलिए दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर देखिएगा, अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, यहां से आपका जो रिजल्ट है ऊपर आएगा और आपको पता चल जाएगा कौन से महीने में आपका जो रिजल्ट है आने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहां पर आता हूं और देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहां लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि भाई जनवरी के अंत तक यूपी जेल वार्डन का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, और दोस्तों थोड़ा नीचे अगर आप इसे पढ़ेंगे ना, तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि आपकी यहां पर जो रनिंग है वो दोस्तों फरवरी के सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए कितना टाइम दिया गया है दोस्तों आपको, बहुत जल्द आपकी एग्जाम ये दोस्तों क्लियर हो जाएगा और इसको लेकर दोस्तों अपडेट आ चुका है। ये दोस्तों देखिए, 4 साल से जो अटकी आपकी भर्ती परीक्षा है उसको बहुत जल्द कराया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, इसको आप देख भी सकते हैं। अब दोस्तों आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि भाई यहां पर हमारा जो रिजल्ट है वो तो दोस्तों चलिए आपका जनवरी के लास्ट का आएगा, और आपकी जो आंसर की है वो कब आएगी। ये आपके अंदर एक डाउट बना हुआ है बहुत देर से कि सर आंसर की कब आएगी, रिजल्ट तो आपने बता दिया। तो भाई आंसर की जो है आपकी वो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक को आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंसर की कब से आने वाली है। ये दोस्तों अपडेट तो आपने देख लिया यहां पर कि आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी के एंड तक आएगा, ये आपको पता चल गया है। लेकिन दोस्तों अब बात यह है कि आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों कितने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये आपके अंदर एक डाउट जरूर बना हुआ है। तो इसको लेकर दोस्तों मैंने एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे एक बात यहां पर बोलना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आएगा कि भाई कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ इतनी कम जाएगी, कट ऑफ इतनी रहेगी। दोस्तों अभी तक आपको यूट्यूब पर जितने भी चैनल है जो आपको बता रहे हैं कि जेल वार्डन की कट ऑफ इतनी जाएगी, तो भाई किसी पर आप बिलीव मत कीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, कोई भी दोस्तों यहां पर यह नहीं है कि कोई आपका फ्यूचर बता सकता है। कट ऑफ दोस्तों जो बताते हैं उनसे एक या दो नंबर नीचे जाती है, एक दो नंबर ऊपर जाती है। फिक्स आपको कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ आपकी इतनी जाएगी, ना ही मैं बता सकता हूं और ना ही कोई अदर यूट्यूबर बता सकता है, चाहे दोस्तों कितना भी बड़ा वो चैनल हो, कोई दोस्तों कट ऑफ आपकी बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकता है। तो किसी के बहकावे में आकर दोस्तों अपनी रनिंग को मत छोड़िएगा, ये दोस्तों मैं आपसे बोल ले आया हूं, ठीक है। और ये ना सोचे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, रनिंग जरूर, रनिंग की तैयारी जरूर करें, आपकी फिजिकली फिटनेस के लिए दोस्तों अच्छी रहेगी ये, और आपका जो माइंड सेटअप है वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह उठने की अगर आपको आदत पड़ गई तो आप दोस्तों उसमें अपनी स्टडी भी कर सकते हैं और दोस्तों रनिंग भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही हैं, तो उनसे मैं एक बात बोलूंगा कि आप ये ना सोचें कि घर का काम कौन करेगा, तो मम्मी जी हैं घर का काम करने के लिए, आप उठ करके जरूर रनिंग के लिए जाइएगा, क्योंकि मम्मी जी आपको जब देखेंगे कि हमारी लड़की रनिंग के लिए गई है तो वो सुबह उठ करके आपके लिए खाना तैयार कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं है। जब आप रनिंग से घर लौटेंगे तो आपको खाना बना पाएगा। तो गर्ल से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जाएं, लड़कों से आप कम नहीं है, क्योंकि यहां पर लड़कियां जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है लड़कों के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा अभी अवनी चतुर्वेदी जिन्होंने अभी फाइटर प्लेन उड़ाया, तो ऐसे आप उनसे कम नहीं है। आप भी यहां पर पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकती हैं, तो अभी उठिए और बिस्तर को छोड़िए और जाइए रनिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि डेट आपकी घोषित हो चुकी है। किसी के बहकावे में मत आइएगा कि इतने पर सिलेक्शन होगा, इतने पर सिलेक्शन होगा, कोई आपको बिल्कुल सही जानकारी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो अभी उठिए, जागो और भागो, ये अपना लीजिए कि सुबह जागो और भागो, ये आपका एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए और इसी को आपको फॉलो करना है। डे बाय डे आपको डेली दौड़ना है, संडे को भी नहीं, आपको संडे को रेस्ट नहीं करना है, मैं आपसे बोल रहा हूं संडे को रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भाई आपको एक बार अगर आपने वर्दी पहन ली तो फिर तो रेस्ट रेस्ट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। अगर संडे को दोस्तों अगर आपको रेस्ट करना है तो सेकंड संडे को आप कर सकते हैं, ना कि हर संडे को, ठीक है, सेकंड संडे को आप रेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों रनिंग आपको
जिनकी 4800 मीटर रनिंग है लड़कों की, वो पूरी 5 किलोमीटर की तैयारी करें, ठीक है। और जो लड़कियां 2400 मीटर की तैयारी कर रही है वो यहाँ पर पूरी अपनी 2500 या 2600 की तैयारी करें, इससे कम ना करें, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है आपकी रनिंग ज्यादा होती है ना कि कम होती है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि पूरी रनिंग जरूर करें, उससे कम बिल्कुल ना रुकें, ठीक है, उससे 100 या 200 मीटर जरूर आगे तक भागें, ये आपके लिए ही इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा, क्योंकि टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप आसानी से रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे। और जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं उनसे यही बोलूंगा, क्योंकि इसमें रनिंग आपकी ज्यादा लंबी है, तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि टाइम अभी आपके पास ज्यादा कम नहीं, टाइम जो है कम है और आपके लिए रनिंग ज्यादा है। जो पहले से तैयारी कर रही है लड़कियां और लड़के दोनों, तो वो आराम से कर सकते हैं। जो नई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर फेल होते हैं लड़के और लड़कियां, वो रनिंग में होती हैं, क्योंकि स्टडी तो वो कर लेते हैं सुबह उठ करके, शाम को, दोपहर को, जब भी टाइम मिलता है, लेकिन रनिंग के लिए वो तभी करते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तभी जाते हैं। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल ना करें, रनिंग के लिए आज से ही उठे और घर जाएं, और सबसे पहले आपको जो फील्ड है, मैदान है, सड़क है, जो भी आप जहां भी आप जाना चाहते हैं, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हो, चाहे आप सिटी से बिलोंग करते हो, आपको दौड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, अपने फिजिकल फिटनेस के लिए भी और दोस्तों अपने यहां पर जॉब के लिए भी, ठीक है। तो दौड़े और दोस्तों डेली दौड़े, और यहां पर अपना जो शरीर है उसे मेंटेन रखें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों डाइट लें और प्रोटीन लें, ताकि आप अच्छे से दौड़ पाए। जो गांव के लोग, उन्हें तो कोई प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव में प्रोटीन की भरमार है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बता दिया है क्या शेड्यूल रहेगा आपका रनिंग का। अगर आप दो टाइम करना चाहते हैं तो अभी ना करें, मैं आपसे बोलूंगा एक टाइम ही रनिंग करें अभी फिलहाल। तो पहले टाइम में ज्यादा दौड़े, ऐसा नहीं है कि कम दौड़े, पहले टाइम में आपको मुझे पता है रनिंग जो है नहीं लग पाएगी, जो आपका टारगेट है 4800 मीटर का या 2400 मीटर का आप नहीं क्रॉस कर पाएंगे। जो पहले से रनिंग कर रहा है वो एक ही बार में क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम करेंगे उन पर नहीं हो पाएगा। तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, डे बाई डे अगर आप रनिंग करेंगे तो एक दिन जरूर आप अपना 2400 मीटर क्लियर कर जाएंगे, अपना 4800 मीटर क्लियर कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जब भी मैं रनिंग करता हूं तो मुझे भी पता चलता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टफ होता है, लेकिन अगर डे बाई डे आप डेली करेंगे तो आसानी से आप अपनी जो रनिंग है उसे क्वालिफाई कर लेंगे। और टाइम का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अकेले भागते हैं, तो अकेले आपको नहीं भागना है, ग्रुप में आपको दौड़ना है। जो यहाँ पर लड़कियां हैं वो ग्रुप में दौड़े, जो लड़के हैं वो भी ग्रुप में दौड़े, तो इससे आपको लगता है कि एक कंपटीशन बन जाता है कि हाँ कौन सबसे आगे चल रहा है, और टाइम भी आपका मैनेज हो जाता है, ठीक है। अकेले कभी ना दौड़ें, अगर आप अकेले दौड़ेंगे तो भाई आपको बहुत ज्यादा इरिटेट होगा बाद में जाकर, क्योंकि वहां ग्रुप में दौड़ाते हैं 20 से 25 लोग एक साथ दौड़ते, आपको पता है, क्योंकि 49,568 में ऐसे दौड़ा गया था। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ग्रुप में दौड़ें, और दोस्तों यहां पर टाइम के लिए अपना कोई वॉच ले लें या कोई स्टॉप वॉच ले लीजिए, अगर आपको नहीं है तो मोबाइल में भी आप दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।